अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन, सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। ईरान ने वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लैहान के चार मुल्कों के दौरे के दौरान एक इलाकाई मुकालमे और ताउन के फोरम को फ़रोग दिया, जब उन्होंने पड़ोसी अरब ममालिक में आला हुकाम से मुलाकातें की। अमीर अब्दुल्लैहान ने 19 जून से आज तक कतर, ओमान, कुवैत और मुत्तहदा अरब इमारत का दौरा किया। ईरानी आला सिफारतकार ने अक़वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से सितंबर में न्यूयॉर्क में 8 ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई फोरम बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। अमीर अब्दुल्लैहान ने तजवीज़ पेश की कि इस फोरम में ईरान, इराक, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारत, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन शामिल होंगे और अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इज्तिमा से बाहर अपना काम जारी रखने का तसव्वुर किया गया। सऊदी अरब में हुकाम ने मदीने मुनव्वरा के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज आज़मीन को फरीद हज की अदायगी के लिए खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए हज मुकामात पर मुंतकली के ऑपरेशन का आगाज़ किया है। सरकारी खबरसान एजेंसी SPA के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज जिन्हें इलाज की गर्ज़ से मदीने मुनव्वरा के अस्पतालों में दाखिल कराया गया था, हज की अदायगी के लिए मीना और मैदान अरफात के जनरल अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए काफिले की सूरत में रवाना किया गया। बीमार आज़मीन को 16 खसूसी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जा रहा है। इनके हमरा 83 तिब्बी अलकार जिनमें डॉक्टर, नर्सेस और दीगर अमला शामिल हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान अकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मजीद 11,958 गैर कानूनी तारिकीन को हिरासत में लिया गया। सरकारी खबरसान एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 15 से 21 जून 2023 तक मुमलिकत भर में 6,481 अफराद को अकामा कानून, 3,427 को सरहदी अमन कानून और 2,050 तारिकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 403 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इनमें से 46% यमनी, 50% एथोपियन और 4% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। अलावा 90 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके मुमलिकत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी महकुमा पासपोर्ट बराए हज के कमांडर मेजर जनरल डॉक्टर साले अल मरबा ने कहा कि बैरून मुमलिकत से 16 लाख आज़मीन हज मक्के मुकरमा और मदीने मुनवरा पहुंच चुके हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक डॉक्टर साले आज मुश्तरिका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 मक्के में हज 2023 के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। मेजर जनरल डॉक्टर साले ने हज 2023 के हवाले से सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामी स्कीमों का जायज़ा पेश करते हुए कहा कि हज पर जाली पासपोर्ट का पता लगाने के लिए अहलकार पेशेवराना तौर पर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदों, चौकियों पर जाली पासपोर्ट का पता लगाने जदीद तरीन डिवाइसेस मौजूद हैं। अक़वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने बहरे अस्वद के अनाज के मुआहदे में तौसी का मुतालबा किया। यूक्रेन की ताज़ा तरीन पेशरफ पर अक़वामे मुत्तहदा के सलामती कौंसिल में तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अमन साजी के उमूर के लिए अक़वामे मुत्तहदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल रूज मेरी दी कार्लो ने रिपोर्ट किया कि ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक यूक्रेन में जंग के आगाज़ से अब तक 9,083 शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 530 बच्चे शामिल हैं। दिकॉर्लो ने कहा कि 15,779 शहरी जख्मी हुए हैं। बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून और इंसानी हकूक़ की तमाम खिलाफवर्जी करने वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। रूस में बागी फौजी आज हफ्ते के रोज़ एक अहम फौजी अड्डे पर कब्जा करने के बाद शुमाल के तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्रेमलिन के सरबरा पुतिन ने बगावत को शिकस्त देने और खाना जंगी के खतरे को ख़त्म करने का अहद किया था। तेज़ी से बढ़ते हुए वाक़ात रूसी सदर की हुक्मरानी के लिए अभी तक के सबसे संगीन चैलेंज की निशानदेही करता है और 1999 के अवाखिर में ताकतवर शख्स के इख्तदार में आने के बाद से रूस का सबसे संगीन सिक्योरिटी बहरान देखा जा रहा है। पुतिन के तर्जुमान ने इसरार किया कि रूसी रहनुमा अभी भी क्रेमलिन में काम कर रहे हैं और वो मॉस्को से फरार नहीं हुए हैं, क्योंकि बाकायदा फोर्सेस ने दारुकूमत जाने वाले वैगनर फोर्स के रास्ते पर वोरोनेट्स के इलाके में बागियों की पेशकदमी को रोकने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मैशल ने कहा है कि उन्होंने रूसी इंतजामिया के खिलाफ वैगनर ग्रुप की बगावत से शुरू होने वाले वाकयात का करीबी तौर पर मुशाहदा किया है और ये रूस का अंदरूनी मामला है। मैशल ने अपने ट्विट अकाउंट पर एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन रूस में रोनमा होने वाली सूरतहाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। यूरोपीय रहनुमाओं और G7 शराकतदारों के साथ रबते में हैं। जिक्र करते हुए मैशल ने कहा यह वाजह तौर पर रूस का अंदरूनी मामला है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर पुतिन की हिमायत का इरादा किया। रूसी सदर अजमहल क्रेमलिन की तरफ से जारी करता एक बयान में बताया गया है कि एर्दोगान ने पुतिन से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान पुतिन ने सदर एर्दोगान को वैगनर ग्रुप की जानिब से रूसी इंतजामिया के खिलाफ बगावत की कोशिश के हवाले से अपने मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया। एर्दोगान ने पुतिन की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। पुतिन ने सदर एर्दोगान के अलावा कजाकिस्तान के सदर कासिम जो मेरिट तो कालिफ और अजबकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा यूसुफ से भी फ़ोन पर इन्हें अपने मुल्क की सूरत हाल से आगाह कराया। जैसे ही हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिस्र के अपने पहले सरकारी दौरे पर पहुंचे, अफ्रीकी मुल्क में हिंदुस्तानी सफ़ीर अजीत गुप्ता ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात 4000 साल पुराने हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीएम मोदी के जारी दौरे के बहुत ठोस नतायज बरामद होंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिनका काहिरा पहुँचने पर मिस्री वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबोली ने इस्तकबाल किया और इनका रस्मी इस्तकबाल किया। 1997 के बाद से मुल्क का दौरा करने वाले पहले वज़ीर आज़म बन गए। ANI से बात करते हुए गुप्ता ने कहा, हिंदुस्तान और मिस्र दुनिया की दो अजीम कदीम तहजीबें हैं और हमारे ताल्लुकात 4000 साल से ज़्यादा पुराने हैं। दरहकीकत शहनशाह अशोक ने 3rd CE में मिस्री बादशाह टोलमे II का हवाला दिया था। हालिया सालों में ताल्लुकात सुकड़ते चले गए, खासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर सीसी के इख्तदार में आने के बाद।